जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज रीति अग्रवाल योर मैथ्स टीचर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फीलिंग प्लस और माइनस। यू हैव टू पुट द सिंबल ऑफ प्लस और माइनस। ओके, 6-5 इक्वल टू 11। इन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू पुट द सिंबल ऑफ प्लस और माइनस। आपको सिर्फ प्लस और माइनस का सिंबल इसमें देना है कि कहाँ पे आपको प्लस का सिंबल देना है और कहाँ पे माइनस। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपको प्लस देना है या माइनस का सिंबल देना है? तो देखो, 6-5 इक्वल टू 11। ओके, अगर आप इस पे माइनस का सिंबल दोगे तो 6-5 1 होगा। तो यहाँ पे क्या नंबर है? 11 है ना। तो 6+1 इक्वल टू 11। 6 और 5 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? सम क्या होगा? 6 और 5 का सम 11। नाउ नेक्स्ट, 12-2। 12 में प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 12, 13, 14। फॉरवर्ड काउंटिंग से तुरंत प्लस हो जाता है ना। 12 में 2 प्लस किया, 12, 13, 14। तो 14 तो यहाँ पे है ना। आंसर क्या है यहाँ? 10 है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? माइनस 12-2 इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट वन, 9-5 इक्वल टू 4। 9+5 करेंगे तो क्या 4 आएगा? नो, 9-5 इक्वल टू 4। एट में 7 को माइनस करके देखो तो क्या आएगा आंसर? 8 में 7 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया? 1। पर इक्वल टू क्या है? 15 है ना। प्लस 8 और 7 को प्लस करोगे तो सम क्या आएगा उसका? 15। ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। नाउ नेक्स्ट, एडिंग ऑफ टू नंबर्स गिव देयर सम्स। मीन्स आप लोग जब किसी टू, जैसे लाइक वन एग्जाम्पल, 2+2 इक्वल टू 4। 4 इज द सम ऑफ 2+2। एडिंग ऑफ टू नंबर्स गिव देयर सम। लुक हाउ द थ्री नंबर्स आर रिलेटेड। अब आप ये देखिए कि ये 1, 2, 3 ये तीनों नंबर आपस में कैसे रिलेशन रखते हैं, रिलेटेड हैं ये तीनों एक दूसरे से। जैसे 6+2 इक्वल टू 8 है ना। 6+2 का सम क्या है? 8 है। नेक्स्ट, 2+6 इक्वल टू 8। जैसे 6+2 इक्वल टू 8, वैसे ही 2+6 इक्वल टू 8। 8-6 इक्वल टू 2। 8 में 6 को माइनस किया, 8-6 इक्वल टू, जैसे आप लोग कभी कभी माइनस ऐसे करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2 कट कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सॉरी, 8 में 6 माइनस करना है ना, तो 6 लाइन को कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लाइन कट कर दिया, बचा क्या? 1, 2, 2 लाइन लेफ्ट। देन वी विल राइट हियर 2। ओके, 8-6 इक्वल टू 2। 8-2 इक्वल टू 6। देखिए, 6 में 2 प्लस किया फिर भी आंसर 8 आया। फिर 2 में 8 6 प्लस किया फिर क्या आया? सम 8 आया। फिर 8 में माइनस किया 6 फिर इक्वल टू 2 2 आया ना। फिर 8-2 इक्वल टू 6। वैसे ही ये सारे जो हैं आपस में रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है? ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, 5 में 2 प्लस करेंगे तो काउंटिंग फॉरवर्ड फटाफट, 2 एंड काउंटिंग फॉरवर्ड, 5 है, 5, 6, 7। देन 7-2, अब बैकवर्ड्स काउंटिंग, 7-2, 3, 4, 5, 6, 7, 5। 7 में माइनस 2 किया, आंसर क्या है? 5। नाउ नेक्स्ट, 7-5, 2। अब देखिए, 2+ इक्वल टू 7। अब क्या था? अभी यहाँ पे रिलेशन आपको बताया है ना कैसे कैसे करना है। अब 2 में प्लस ये नंबर क्या है आपको फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर प्लस है जो 7 आया। तो 7 में 2 को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही यहाँ पे होगा, 5। 7 में 2,
सेवन माइनस टू जब होगा तो इक्वल टू फाइव होगा ना, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, फाइव। नेक्स्ट थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन माइनस थ्री, सेवन में माइनस थ्री किया तो फोर। अब इसको फाइंड करना है कि किस नंबर से माइनस फोर करेंगे तो आएगा, तो अब देखो ये नंबर और ये नंबर को प्लस कर दोगे तो वो जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे उसी को राइट करना है। फोर प्लस थ्री क्या आएगा, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन माइनस फोर इक्वल टू थ्री। ओके नाउ नेक्स्ट माइनस थ्री इक्वल टू फोर, फिर फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन। अब देखिए सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर, ये है ना ये नंबर, ये प्लस माइनस ये जो भी है नंबर आपस में कैसे रिलेशन रखते हैं ये इसमें आपको यही करना है। इन दिस वे यू कैन इजली डू दिस कॉन्सेप्ट फिल इन। ओके नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज नंबर 11। ओके थैंक यू।